उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को थाना क्षेत्र के बीरागंज चौक के पास से कैंट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को सेना अधिकारी की वर्दी पहनकर फर्जी सेना अधिकारी बनकर घूमते हुए पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तलाशी में युवक के पास से 3 फर्जी आई कार्ड, अन्य कई दस्तावेज व उनके सूटकेस से सेना की वर्दी के साथ अन्य चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम प्रवीण कुमार सिंह पुत्र सत्येंद्र कुमार सिंह निवासी सहामल खेरा थाना कौचस जिला रोहतास बिहार बताया है। पुलिस पूछताछ में युवक ने स्वयं को सेना का अधिकारी बताया। संध्या होने पर पुलिस ने उसे लेकर बरेली आर्मी इंटेलिजेंट कार्यालय लेकर गई, जहां जांच युवक के 3 सेना के आई कार्ड फर्जी पाए गए। बताया जा रहा है कि जाट रेजिमेंट सेंटर में चल रही अग्निवीर रिलेशन कोटा भर्ती में उक्त युवक अधिकारी बनकर भर्ती देखने आए लड़कों से पैसे ऐंठने की फिराक में घूम रहा था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए युवक को शनिवार को जेल भेज दिया। सेना की जांच एजेंसियां बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हैं। पुलिस को आरोपी के पास से 1 आर्मी पहचान पत्र, 2 ADA पहचान पत्र, 1 नेम प्लेट, 1 मोबाइल, 1 ट्रॉली बैग जिसमें पैरासूट कमांडो की कैप, टी शर्ट, स्पेशल कैप, NDA बेल्ट, ऑफिसर्स टाई, NDA टी शर्ट, लोवर पैंट, आर्मी वर्दी, आर्मी मास्क, काले रंग के बूट बरामद हुए हैं। देखिए, थाना कैंट क्षेत्र में जाट रेजिमेंट में एक अग्निवीर भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसमें एक व्यक्ति आर्मी की यूनिफॉर्म में पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान ये ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति फर्जी आर्मी का अफसर बन के घूम रहा है। उसके पास एक लगेज बरामद हुआ, जिसकी चेकिंग से पता लगा कि उसमें आर्मी की और यूनिफॉर्म, स्पेशल पैरा कमांडो की बैरे कैप्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं। और उसके पास से 2-3 फर्जी परिचय पत्र मिले हैं, जिनकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट से की गई तो पता लगा कि ये सारे फर्जी हैं। ये व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसको जेल भेजा जाए। यहाँ क्या करने आया था ये और वर्दी पहन के घूम रहा था? ये व्यक्ति तथाकथित रूप से एस्पिरेंट था ऑफिसर बनने का, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाया, तो ये व्यक्ति यहाँ जो भर्ती हो रहे हैं उनको ये अपने चंगुल में फंसा कर और उनसे कुछ पैसे लेकर और इस तरह की घटनाएं कारित करने के लिए व्यक्ति आया। बताया जाता है कि कागजों में भी जिसके डॉक्यूमेंट थे उसमें काफ़ी इसने नाम को बदला है अपने हाँ, वो सारी जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही है और 419-20-467-68 फर्जी दस्तावेज बनाने के उसमें इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।